हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, होली का त्यौहार आने वाला है, रंगों का त्यौहार हमारा, और मिठाइयों का भी त्यौहार जिसमें खूब सारा मीठा होता है। तो हमारे यूपी बिहार में तो आप जानते हैं क्या फेमस है, यूपी में गुजिया, बिहार में मालपुआ। तो आज हम बिहार का मालपुआ बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और लजीज होता है खाने में। और उसके बिना, मालपुआ के बिना, बिहार में होली अधूरी रहती है। तो चलिए बनाते हैं आज मालपुआ। और मालपुआ मैं दो तरह से बनाऊंगी, एक चाशनी वाली, एक विदाउट चाशनी वाली। मीठी रहेगी, उसमें डलेगा, पर वो विदाउट चाशनी रहेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, या मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ मालपुआ। चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने सामग्री ली है, वो देखिए। ये मैं मैदा ली हूँ, 250 ग्राम मैदा ली हूँ मैं ये, और इसे मैं छान ली हूँ। और इसमें जाएगा किशमिश, थोड़ा सा किशमिश ली हूँ, चिरौंजी ली हूँ, सौंफ, मोटा वाला सौंफ लेना है थोड़ा सा, और इलायची पाउडर है 2-3, इलायची को मैंने कूट लिया है, 2 केला ली हूँ मैं, और ये कद्दूकस क्या हुआ, नारियल का लच्छा जो मिलता है सूखा वाला, वो है ये। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, मैदे में हम सब कुछ डाल लेंगे, इसको केला भी डाल देंगे, ये सारी चीजें हम डाल देंगे इसमें। तो अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे, फुल क्रीम दूध डालेंगे, उससे टेस्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा। तो हम एक ही बार में दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम दूध, और इसे मैश करते हुए जाए मैश करते रहेंगे इसको, इस तरह से हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते चले जाएंगे। ये तो एक ही बार हम डाल देंगे, तो हमारा ये बैटर घोल हमारा पतला हो जाएगा। हमें पतला नहीं करना है, गाढ़ा करना है इसे। तो दूध हमें मीडियम, मतलब नॉर्मल दूध लेना है, ना फ्रिज की ठंडी दूध लेनी है, ना गरम गरम दूध लेना है, नॉर्मल दूध होता है जो, वो लेना है। हम तो यूपी बिहार दोनों के ही हैं, तो हमें होली में गुजिया भी पसंद है और मालपुआ भी। मेरे बच्चों को होली में बिना मालपुआ और बिना गुजिया का उन्हें बहुत रहेगा, वो नहीं रह सकते हैं। होली में उन्हें मालपुआ और गुजिया ढेर सारा चाहिए। तो आप होली में क्या क्या बनाते हैं, ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए, हम इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छे तरीके से 10 मिनट तक मसल मसल के घोल ली हूँ इसे। पूरा केला को मसलना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से मैश होना उसमें। तो ये देखिए, अब मैं इसमें चीनी नहीं ऐड करी हूँ, अब मैं सादा इसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि उससे मुझे चाशनी वाली बनानी है, इसीलिए फिर मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि दो तरह का मैं बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसका घोल होना चाहिए, न पतला न बहुत गाढ़ा। ये देखिए, अब मैं इसमें चीनी मिला दूंगी। तो इसमें मैं अभी आधा कटोरी चीनी डालूंगी, एक कटोरी है ये, बहुत ज़्यादा मीठा मैं नहीं बनाऊंगी।
आप जैसा मीठा अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालिए, या कम खाते हो तो कम डालिए, आप अपने अनुसार मीठे का चॉइस कर लीजिएगा जिस तरह से आप खाते हो। तो मैं चीनी को मैं पीस ली थी, पीसा हुआ चीनी ली हूँ, नहीं तो इसमें घुलता नहीं। अब बिना पीसा भी दे सकते हैं, उससे केला और अच्छे से मैश हो जाता है। केले के समय जो हम डाल रहे थे जब मैश करने के लिए, तो उसमें चीनी डाल दीजिए, उससे केला और हमारा अच्छे से मैश हो जाता है, और थोड़ा देर रखने के बाद वो चीनी घुल भी जाता है हमारा। तो आज मुझे निकालना था इसीलिए, बिना चीनी का निकालना था इसीलिए मैंने चीनी को पीस लिया है, ताकि ज़्यादा टाइम लगेगा उसको घुलने में। तो हमें देखिए मिला लेना है अच्छे तरीके से इसे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी होता है, सबको पसंद आएगा। और जो विदाउट चाशनी वाली होती है वो आप 5-6 दिन रख के भी खा सकते हैं इसे। और ये घोलते घोलते मैं फिर से वही बात को दोहराना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। लाइक का बटन है जो नीचे इस तरह का, उसे लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि मुझे बहुत ही मेरा मेहनत जो मैं करती हूँ वो सफल हो और लोगों तक पहुँचे उसे वो। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है। अब इसे हम आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। आप 1 घंटा के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-1.5-2 घंटा भी रख सकते हैं इसे रेस्ट कर बना करके रख दीजिए, और जब बनाना हो तो फिर इसे बनाइए। तो चलिए तब तक हम चाशनी बनाते हैं इसे। तो मैंने इसमें 1.5 कटोरी चीनी लिया है और 1.5 कटोरी मैं पानी भी ऐड करूंगी इसमें। कोई तार का चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें गाढ़ा करना है इसे। और इसे हम चलाते रहेंगे और इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, आप केसर भी डाल सकते हैं इसमें। मिलाते रहेंगे क्योंकि ये चीनी हमारा नीचे से जल ना जाए। ये देखिए मैं 2 इलायची का पाउडर कूट ली हूँ, इसको 2 इलायची को कूट करके पाउडर बना ली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ गैस पे और इसमें मैंने 4 चम्मच घी डाला है, और आप घी की जगह रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं। और मैंने घी में डाला है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा घी में। और मैंने चाशनी को दूसरे गैस पे रख दिया है पकने के लिए, तब तक हम इसे चीनी वाला जो है हमारा वो बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें डाल देंगे इसको। घी है इसलिए ये भाग हो रहा है, ये घर का घी है, घर में मैंने निकाला है।
पलट लेंगे। देखिए हमारा मालपुआ बनकर के रेडी है। इसे एक्स्ट्रा घी जो है हम निचोड़ देंगे। तो इसको फ्रेंड्स धीमी आंच पे इसको डालना रहता है, बहुत ही तेज आंच पे इसको नहीं डालिए, धीमी आंच पे। और जब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद आंच को मीडियम पे कर दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए स्टार्टिंग में, तब डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड हमारा ये मालपुआ जो चीनी का है, इसमें चीनी था विदाउट चाशनी, ये और तैयार है बनकर के। चलिए चाशनी वाली बनाते हैं। ये देखिए हम चाशनी वाला ये बना रहे हैं, तो ये हम निकाल लेते हैं और चाशनी में इसे डिप कर देते हैं। पाँच दस मिनट के लिए हम इसे डिप कर देंगे। अब इसे हम दूसरा बैच इसमें डालते हैं। देखिए फ्रेंड चाशनी का हमारा मालपुआ मस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा मालपुआ बनकर के तैयार है, और ये चाशनी वाला है, ये विदाउट चाशनी वाला है। तो देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसी तरह से आप भी घर पर बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। ओके बाय बाय फ्रेंड।